अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। अभी हम जा रहे हैं अपनी आखिरी इफ्तारी भी करने और चांद रात सेलिब्रेशन भी देखने के लिए कि चांद रात की रौनकें कनाडा में कैसी हैं। है ना सजाद, अभी हम जा रहे हैं रिजवे प्लाजा, तो अभी वहाँ जाते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में जाके इफ्तारी करें। इधर हसन भी अफान भी बैठे हुए हैं, दोनों साथ हैं। हसन इधर है, इफ्तार करते हैं, फिर देखते हैं क्या हल्ला गुल्ला है। मैंने कहा देख के आते हैं, रिजवे प्लाजा में सुना तो है कि बड़ी रौनक शौनक होती है, तो चलो देखते हैं जाके। सारे यहाँ से, यहाँ पे 150 हलाल रेस्टोरेंट है। चले जी, हमने जाना है। बहुत सारे रेस्टोरेंट है इधर, ज्वेलर्स और बस सब कुछ है यहाँ पे। रात है ना, चांद रात की वजह से इतना रश है। और ये देखो ना, कितने पाकिस्तानी, पार्किंग अभी से नहीं है, तभी तो लोग ज्यादा आए ना। इफ्तारी भी हो जाएगी, खाना भी खा लेंगे, तो चलो पार्किंग में। हाँ, पहले उसके जगह खड़े हो बन गया इधर, तो इफ्तारी के लिए कितने लोग आ रहे। नहीं, फ्री इधर कनाडा में कुछ नहीं है, इधर कहीं भी कुछ नहीं है। अच्छा, बस की वजह से मैंने देखा। नहीं, फ्रेश का मतलब ये होता है कि ये फ्री है। टेस्ट अच्छा है इसकी वजह से, इसकी वजह से यही है वो, क्योंकि इस लाइन में ना सारे वो लाहौर और ये सारे जितने भी हैं ना। अच्छा, ये पार्किंग हमें मिल गया, ये लाहौर चटखा रहे हैं, इस पे तो नहीं चलते हैं। हमने जाना है इस तरफ। रश देखा है कितना ज़्यादा है। अभी चेक करते हैं किस में जाए हैं, सभी भरे पड़े हैं सारे, बहुत रश है। ये सुमक का भी मैंने बहुत सुना, इनके देखना ऐसे प्लेटर होते हैं, आई थिंक ये बफे है ये तो। ये भी बहुत भरा हुआ है। हाँ, इनका बफे है। राहत बेकर्स भी आ गया है। कराची रोल कॉर्नर हम लोग आए हैं और फिर चलते हैं स्मैश पे। हसन अफान कह रहे हैं उन्होंने ये रोल नहीं खाने हैं, ये बड़े मैंने फेमस हैं, तो ट्राई करते हैं, फिर इनको वहाँ ले जाऊँगी। और अफजार खजूरें इन्होंने इधर रखी हुई हैं कूलर भर के। हसन उठा दे, दस दाओ खुराई, नूर राजी होके। ये लो, कैसा है, मजे का है? प्रोटीन से डिफरेंट है ना, इसमें फ्राइज हैं और चिकन। चलो इसमें पराठा जो है ना, ये ना वो फ्राई करते हैं जैसे पूड़ी, नहीं पूड़ी का रोल है ये। देखने में कैसा, देखने में ऐसा है ये ना। मैं भी अपना ट्राई करती हूँ, बहुत मज़े का, ये बड़ा टेस्टी। मेरे पास ये है स्पाइसी, इनके पास है मलाई बोटी वाला, हमारे पास चिकन टिक्का वाला है। लेकिन ये फ्राइज भी बड़े मज़े के हैं। इफ्तारी हमारी होगी, अभी ज़रा घूमते हैं, पूरी मार्केट का जायज़ा लेते हैं। कहाँ गया सजाद? यहाँ देखना, ये सुमक, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और अंदर बफे प्लेटर लगे हैं, देखना ज़रा, भरा हुआ है बहुत। देखना शैंक, और ये सारा इनका है बफे। पाकिस्तान वाली भी वाइब आती है यहाँ पे आके, तो पश्तो गाने लगे हैं गाड़ी में। सब के सब रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, बहुत लोग हैं। ये वो रोबोट वाला जो मैंने डाला था रेस्टोरेंट। अच्छा, सतरंगी पे तो लाइन लगी हुई है, कम लोग अंदर छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा इसकी मैंने आगे वीडियो भी आपके साथ फुल शेयर की हुई है। $54 में है ये सूट,
कितना प्यारा है। ये $62 का 3 पीसेस है ये वाला। ये डॉट से ज़्यादा अच्छी इनकी प्राइस है और इनके पास कपड़ा भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी रश हुआ हुआ है, अभी मैं चलती हूँ। मैंने तो आपके साथ ही पहले शेयर की थी ना, लेकिन ईद के लिए सबसे अच्छे आपको यहीं पे मिलेंगे सतरंगी के पास। बहुत अच्छी क्वालिटी, रिजनेबल प्राइस है। जे डॉट से ज़्यादा अच्छी और उसकी कम प्राइस में है। ये स्मैश भी बहुत अच्छा है, इनका बर्गर इतना मज़े का, बहुत अच्छा। ये जो वो फेमस यूट्यूबर है शाही जाफर, ये उनका रेस्टोरेंट है, बहुत मज़े का है। ईद मुबारक। लाहौर निकाह वाली गली है, निकाह होता इधर, पक्की बात है, इधर निकाह है। हाँ वो मैंने देख लिया, लेकिन निकाह है वाकई से ज़्यादा। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पूरा मार्केट का आपको आज चक्कर दिलवाते हैं, है ना सजाद? ओ सब्सक्राइबर भी मिली है। हाँ सब्सक्राइबर भी मिली है, इतने प्यार से मिले हैं। गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, हम तो ज़रा बच्चों वाले हैं, जल्दी आ गए थे, लेकिन इधर 12 बजे 11 बजे 1 बजे तो सही हल्ला गुल्ला होता है। अभी तो लोग आ रहे हैं। मटका चाय पे रश देखना कितना ज़्यादा है। चलती चल आ रहे हैं। चाय मिलती है यहाँ पे ना, ये चाशा है, चाशा हमें डिवाइस ही है। ये बीप शुरू कर देगा, ये बीप शुरू कर देगा तो पता लग जाएगा ऑर्डर तैयार हो गया है। क्या हो गया, ऑर्डर आ गया। कड़क चाय, एक चाय हमने मंगवाई है, एक रबड़ी, ठंडी रबड़ी मटके में। अच्छा स्टाइल है ना मटके का। बाकी कड़क है, अच्छा कड़क है, कड़क है। पहले ठंडा ट्राई करूं कि पहले गर्म पी के देखूं? गर्म कर। मैंने कहा साथ साथ खाते भी रहे ना, फिर अपनी बड़ी मज़े की उधर चलते हैं सामने के, उधर क्यों रश है मक्का ज्वेलर के पास, यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं। मेहंदी लग रही थी, मैं समझी यहाँ स्टोर पे है, ये मरहबा बुक स्टोर है यहाँ पे ना। मुझे किसी ने कुरान पाक का भी कहा था, मैं भी इनके पास भी हूँ। अंदर एक मिनट आना, मैं बताती हूँ अगर किसी को तस्बीहां या नमाज ऐसी चीज़ें चाहिए इनके पास होंगी ज़रूर। ये देखना अल्लाह मोहम्मद के फ्रेम्स भी हैं, इतर भी है, टोपियाँ भी हैं ऐसे, देखो ये कितने प्यारे हैं। तस्बीहां भी इनके पास हैं, कितनी प्यारी प्यारी हुई। ये क्या है, जमजम तो नहीं है? जमजम है ना। ये वाले दिख रहा कितना अच्छा है, ये वाला कुरान पाक ये पढ़े हैं, ठीक है ये भी कुरान पाक है। मेरा वजू हुआ हुआ है ना, अभी इफ्तारी की है, वजू हुआ हुआ है इसलिए मैं हाथ लगा रही हूँ। ये कुरान पाक है रिजवे प्लाजा में मरहबा दुकान में, ये है सामने कुरान पाक। मुझे असल में शायद किसी ने मैसेज किया था कि कुरान पाक कहाँ से मिलेंगे, तो ये सामने फ्रेम्स, अबाया और ये सब कुछ इस्लामी बुक्स हैं, और ये सूरतें हैं, मंजिल है, ये भी सारा। ये कितना प्यारा इसका बना हुआ है सारा,
फ्रेम इस्लामी सारे हैं। ना कल ये कुरान पाक मैंने तुर्की से मंगवाया था ना, जो उसके सर पे रखा था पाकिस्तान में, मुझे पता ही नहीं था कि इधर भी वही है, तो हमें तुर्की से मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं थी। उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे। तो ये देखना, ये पीछे देखो कितना प्यारा है, इस पर कुरान पाक रखने के लिए। हदीस की किताबें पढ़ी हैं सामने, ये वाली ऊपर ना, ये सुनन इब्न माजा, कौन सी है वाली पढ़ी है, सुनन इब्न माजा पढ़ी है, और इधर आओ, ये सुनन नसाई, नमाज भी है इनके पास, ठीक है, जा नमाज भी याद रखना, वो भी है इनके पास, ये पीछे भी जा नमाज इनके पड़े हैं, कुछ फ्रेम यहाँ पे भी पड़े हैं, चूड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं यहाँ पे। ये क्या है जुनू, ये क्या है, कॉफी के लिए इतना रश है, बड़ी पड़ी है ये तो शॉप। वैसे सजान रमज़ान के बाद ऐसे एकदम लोगों को देख के कैसा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कुछ लोगों के वैसे अजीब सी ड्रेसिंग है ना, कुछ लोगों की ड्रेसिंग देख के मैं यहाँ से ये कह रही हूँ ये पाकिस्तानी है, बिल्कुल ये आ रहे हैं अल्फासे, अगर होगी कल बुकिंग तो फिर चलेंगे इधर ईद की नमाज़ पढ़ने, वरना तो फिर अभी हम चलते हैं वापसी की तरफ, हर रेस्टोरेंट भरा पड़ा है, चलिए अभी हम चलते हैं, अभी छड़ों का टाइम हो रहा है, वो आ रहे हैं, क्योंकि जितनी रात होती जाएगी इधर रश बढ़ता जाएगा, अब हम थक गए हैं, सुबह नमाज के लिए भी उठना है, तो चलिए अभी इजाज़त दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़। मटका चाय पे रश देखना कितना ज्यादा है, चलते चलो, इस तरह पूरी लाइन है ना ये अंदर प्लाजे में आने के लिए है, इतने लोग अभी आएंगे, क्योंकि अभी तो 10:37 हुए हैं, हम तो जा रहे हैं लेकिन अभी लोग यहाँ पे सजाद आ रहे हैं, ये सारी लाइन अंदर आने के लिए।